हेलो दोस्तों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीपीएससी में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं फॉर्म भरने में, बीपीएससी में जो कि आरटीआई मेंस के लिए कैसे करें, ये सब आपको मैं जानकारी दूंगा जिससे आपको काफी फायदा होगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, पूरा शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें। और तो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बीपीएससी में जो आ रहा है वो आ रहा है आपको कि फॉर्म है जो कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम में मतलब जो खासकर 64वीं बीपीएससी प्री भरने में फॉर्म भरने में वो है आपको बीपीएससी का फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा। फाइनल सबमिट नहीं हो रहा, तो अभी जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो सिर दर्द हो रहा है कि फाइनली उस जो कि फॉर्म है जो कि बिल्कुल सबमिट नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, दिन में लोग करते करते परेशान है। तो उसका जो बेटर उपाय है कि सबसे बेटर उपाय है कि आप रात को करें, नाइट में एक बजे से 4 बजे तक, तो रात में 1 बजे से 4 बजे तक कोशिश करें। अब दिक्कत यह है कि बहुतों के पास है जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि मोबाइल से तो डेट ऑफ बर्थ दिक्कत हो रहा है, इसीलिए मोबाइल से संभव नहीं है। तो डेट ऑफ ये जो उसका है नाइट में जो कि कोशिश करें 1 बजे से 4 बजे, और जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो डाउनलोड भी कर ले कम से कम, और क्योंकि प्रिंटर नहीं रहता जनरली घरों में, क्योंकि साइबर कैफे तो 1 बजे से 4 बजे तक खुली नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जिनका सबमिट है कोई दोस्त ऐसे सेल जरूर आपके सर्कल में होंगे जिनके पास लैपटॉप जरूर होगी, तो आप है जो कि अगर जिनके पास नहीं है वो उनके घर में चले जाएं और एक रात है जो कि कष्ट करें, तो आपका फॉर्म है जो कि आसानी से सबमिट हो जाएगा। अगर इसी तरह वेट करिएगा कि अब भरेंगे दिन में आप ट्राई करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा सर्वर स्लो है। तो इसीलिए जो कि किसी दोस्त के घर में भी आप है जो कि नाइट में जाकर एक रात रुक जाएं, और जिनके पास लैपटॉप है वो फॉर्म भर लें और उसको डाउनलोड करके अगर संभव हो तो लैपटॉप में कर लें, नहीं तो फिर जीमेल में डाल लें कि आप कहीं भी जाकर है जो कि उसको निकाल सकते हैं साइबर कैफे में जाकर। तो एक चीज है ये, और एक चीज जो लोग खासकर अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जो पेमेंट कर रहे हैं, तो यही कहना है कि इन सब कागजों को बिल्कुल ही ना भुलाएं। खासकर जो पेमेंट वाले लोग केयर नहीं करते हैं, मैसेज आ गया पेमेंट, तो पेमेंट वाले जो कॉपी है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखें, भविष्य में भी खोजी जा सकती है, तो इसको बिल्कुल ही नहीं करना है। तो पेमेंट भरने के लिए आपको पेमेंट भरने का ऑप्शन है, पेमेंट भरने का ऑप्शन ऊपर में भी, आपको लॉगिन आईडी की जाने की जरूरत नहीं है। आप जो कि सीधे बीपीएससी के जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाते हैं तो सबसे ऊपर में मिलेगा पेमेंट भरने का ऑनलाइन पेमेंट, तो उसमें जाकर आपको करना क्या है, तो उसमें जिनको पास एटीएम से भी अटैच्ड है वो जाएं अपना, और उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर खोजता है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ खोजता है, तो आपका है जो कि खुद जैसे ही आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आपका आ जाएगा इतना फीस है। तो ये दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है बीपीएससी फॉर्म भरने में कि बहुत सारे लड़के, मैं भी बहुत पहले बहुत परेशान रहता था कि साइन कैसे बनाऊं, हिंदी इंग्लिश है, फिर फोटो भी बनाना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो मैं बनाता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं जो क्योंकि लगभग अपने जो कलीग्स का भरता हूँ फोटो बना बना कर, तो एक है ऑनलाइन ही है, आपको ऑनलाइन आप जब यूट्यूब देख सकते हैं तो निश्चित है कि ऑनलाइन सभी लोगों के पास नेट मोबाइल अब सस्ती हो गई तो है, तो लूनापिक.com
लूना पिक, वो है लूना पिक, आप गूगल में जाइएगा रिसाइज करने के लिए, उसमें करना तो उसी से मैं करता हूँ। और अगर दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मैं जरूर करूँ बता दूंगा कि किस तरह जो किया। एक वीडियो और डाल दूंगा ऑनलाइन की किस तरह लूना पिक से जो कि तुरंत फोटो आपको सिग्नेचर से लेके कहीं भी आपको बन जाएगा। तो आपको क्या करना है कि लूना पिक जिसके पास मोबाइल है उसको कर लेना है, उसको साइज रिसाइज बना लेना है, उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना और जीमेल में भेज देना। जीमेल भेजने से आप मान लीजिए कि मोबाइल से फॉर्म नहीं भरना चाहते क्योंकि प्रिंट नहीं निकलेगा वहां, तो फिर आप है जो कि उसको जीमेल में डालने और जीमेल से कॉपी करके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप जो कि वहां उस पर अपलोड कर दें। तो लूना पिक रिसाइज का है, आप गूगल में जाएगा तो मिल जाएगा, रिसाइज कर लेना है। और उसमें उसमें दिया रहता है कि आपकी साइज है कितनी है, छोटी बड़ी करने का, वो आप कर लीजिएगा। नहीं आने पर मैं इसका भी एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। तो ये हो गए। और जो एक चीज है कि बीपीएससी का जो 5659B का है जो कि आपको इंटरव्यू फाइनल है जो कि रिजल्ट निकला है, हालांकि कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया है और कितने मार्क्स आए हैं ये इस सप्ताह या अगले सप्ताह आ ही जाएंगे उसके। तो आप है जो कि बीपीएससी मेंस की कॉपी किस तरह मंगा सकते हैं, तो क्योंकि आरटीआई के उस 4-5 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ, आरटीआई किस तरह किया जाता है, कैसे करना, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो आरटीआई के लिए आपको जो एक प्रपत्र का फॉर्म लेना है, है आप किसी भी दुकान में खासकर जहां पर कचहरी हो या वो सब जगह आपको ज्यादा मिलेंगे, जनरल बुक्स में हो सकता ना मिले, लेकिन जहां पर कचहरी खासकर है, जहां ऑफिस है वहां पर जरूर आरटीआई रहता है, वहां जाएं और प्रपत्र का बोलना है, का फॉर्म देना है, उसको बता देना है कि मुझे सूचना मांगना है। और प्रपत्र 6 जो होता है, 6 का फॉर्म प्रथम अपील के लिए होता है। तो आपको क्या लेना है, प्रपत्र क लेना है, ये नहीं कि प्रपत्र 6 दे दिया उठा कर लेके चले आए, ये बिल्कुल नहीं, इसको लेना है। इसमें क्या करना है, इसको ये फॉर्म लेकर आपको भरना है सचिव बीपीएससी लोक सूचना पदाधिकारी, इसमें लिखा हुआ रहता है ऊपर में, फिर सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना का जो पता है वो आप नेट से सर्च करके उसको पूरा पता दे दें। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर आपको खरीद लें क्योंकि ये आसान आपको पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेगा, हालांकि स्टाम्प भी चलता है ना, जुडिशियल एंड स्टाम्प, लेकिन ये आपको सबसे आसान स्टूडेंट के लिए पड़ेगा कि पोस्टल ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस में ले लें, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर। लेकिन एक चीज जो मेन है कि आप 10 रुपया लगाइएगा तो मान लीजिए कि आप 32 पृष्ठों की एक एक क्वेश्चन रखती है तो 32 दूना 64 रुपया, तो बस एक पृष्ठ का 2 रुपया दाम है। कितना दाम है, एक पृष्ठ का, एक पृष्ठ का कितना दाम है, 2 रुपया दाम है। तो 32 पृष्ठ का मान लीजिए कि आपको जीएस का लेना है दोनों पेपर का, तो आपको 64 दूना 128 रुपया लग जाएगा, तो एक पेपर का। तो इस तरह से आप चाहें तो पोस्टल ऑर्डर पहले ही दे सकते हैं इतने रुपये का ले आए, या आपको लगता है कि मुझे विश्वास नहीं है वो देगा नहीं देगा, मेरा पैसा चला जाएगा पोस्टल ऑर्डर में, तो आप जो कि 10 रुपया ही दे, फिर आपको पत्र भेजेगा कि आप जो के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से इतने पृष्ठ आपके हुए, आप है जो कि पैसा जमा करिए और आपको सूचना है जो कि मिल जाएगी, आपको चिट्ठी आएगी घर में। तो उससे एक चीज तो है, उससे जो कि एक डिले होगा, अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते तो एक ही बार में आप जो कि ये 2 पेपर का हो गया। तो आपको अगर पूरी बीपीएससी के लिए नहीं है तो आपको 128 गुणे 4 कर दीजिए, 512 रुपया आ जाएगा। तो 500 अगर आप इतने के डालते हैं तो आपको फिर झंझट नहीं है कि वो फीस के लिए लिखेगा, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना भी स्टूडेंट के लिए संभव नहीं। तो आप 10 रुपया का भी लगा सकते हैं, जो कम पेपर है तो लगा दें, मान लीजिए 2 पेपर लेना है तो 128 लगा ले और अपने मार्क्स से जो कि
आप देख सकते हैं किस अंक में कितना दिया है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप जिनके सिलेक्शन हुए हैं वो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, क्योंकि जिनका सिलेक्शन है उनके लिए कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया वो आगे की रणनीति पीछे। जिनका नहीं हुआ उनके लिए सबसे बड़ा फायदा कि आप ये अपना अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे किस विषय में मार्क्स ज्यादा मिले हैं, किस क्वेश्चन पर किस तरह लिखने से मार्क्स मिले हैं, किसमें नहीं मिले हैं। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा और भविष्य में आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो ये एक चीज बता रहा, RTI का एक फॉर्म मैं आज बनाऊंगा, तो उसको किस तरह भरा जाता है मैं भर दूंगा, और पोस्टल ऑर्डर का भी विवरण उसमें भरने का रहता है नीचे, जो कि एड्रेस रहता है, आप किस विषय से क्या मांग रहे हैं वो बताऊंगा। तो दो चीज हमको लगता है कि आप लोगों को काफी जरूरत पर दिक्कत हो गई है, तो फोटो वाला नमूना पिक और एक RTI कैसे करें, क्योंकि सभी लोग कॉपी चाहते हैं कि मुझे क्यों नहीं हुआ या कितना नंबर आया। नंबर तो आपको वेबसाइट पर जारी कर ही दिया जाएगा जल्द ही, वो BPSC बोल ही दिया है। तो ये हो गया। और जहां तक बात है BPSC प्री का भी रिजल्ट है, जो कि सितंबर सेकेंड वीक BPSC ही खुद कह रहा है, तो निश्चित है कि सेकेंड वीक में निकल जानी चाहिए। अगर लेट हुआ तो 10-15 दिन लेट हो सकता है, लेकिन सितंबर सेकेंड वीक में निकल जाएगी। बहुत लोग आश्वस्त नहीं है, क्योंकि इस बार जो है 95 से बहुत कम लड़के मिल रहे हैं। हालांकि कट ऑफ देखिए क्या जाता है, 92 तो है, 94 तक के बीच ही जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत जो टफ क्वेश्चन था, टफ CDPO को ज्यादा था, लेकिन कंफ्यूजिंग ज्यादा BPSC का था। मेंस की जो डेट आई थी वो बताया, क्योंकि देखिए BPSC जैसे ही रिजल्ट निकला था उस मेंस का भी जो डेट बताया था 28-29, 27-28-29 और 2 नवंबर, तो वो हो सकता है सही हो जाए। तो आपके लिए बस यही जो दिक्कत हो रही थी इसको बताने के लिए। और मेरे चैनल पर आप टेस्ट सीरीज में भी भाग ले सकते हो, BPSC से संबंधित बहुत सारे मटेरियल डाल रहा हूँ, उसको भी देख सकते हैं आप और इसका फायदा उठा सकते हैं। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग सफलता पाएगा तो हमारी जीत होगी, तो इसीलिए धन्यवाद आप लोगों का।